हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप रियल मी 10 प्रो 5G पे बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं और इसको रूट कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये दोनों चीज़ें एक साथ में आपको करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके वीडियो अभी तक रियलमी 10 प्रो 5G का अभी तक यूट्यूब में किसी ने लगाया नहीं है, किसी ने डाला ही नहीं है। ये पहला वीडियो होगा यूट्यूब में जो रियलमी 10 प्रो 5G को रूट कैसे करते हैं और बूट लोड अनलॉक कैसे करते हैं इसके बारे में होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर में ये सारे फाइल आपको डाउनलोड करने होंगे। मैं इसके सारे जीप फाइल आपको मैं दे दूंगा। ये इसमें आप देखेंगे तो 2 जीप फाइल मिलेगी। एक तो रूट के लिए होती है, इसका कोई छेड़ना ही नहीं है। अभी पहले आपको बूट लोडर अनलॉक करने होंगे। तो पहले आप बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आप इसे अनजिप कीजिए। ये सारे फाइल आपको जीपी फाइल में मिल जाएंगे गूगल ड्राइव में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये सारे जो ड्राइवर्स है आपको इंस्टॉल करने होंगे, ठीक है। और ये एक इसमें साथ में एक डीप टेस्टिंग APK है, आप इसे अपने फ़ोन में कॉपी कर लें और इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आपको अप्रूवल मिल जाता है रियलमी की तरफ से, अगर बूट लोडर अनलॉक करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे अप्रूवल मिल जाता है तो आप फिर इस प्रोसेस को फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे अप्रूवल मिल जाता है तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर में 8 GB ड्राइव को इंस्टॉल करने होंगे। आप यहाँ पर रन कीजिए। ये करने के बाद दोस्तों इसमें SES सारे पे टाइप करते जाएं, ये आपने अप कर देगा। अपने आप ये बंद भी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये मिनिमल ADB फास्ट बूट है, आपको ये भी इंस्टॉल करने होंगे। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, मैं SES इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट करते रहना है। अब इस पर नोटिस करें, अब ये जो फाइल है जहाँ इंस्टॉल हो रहा है ये उसकी लोकेशन है। आप इसे एक बार ध्यान से देख लें, आप इसे कॉपी करके रख भी सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करने हैं। उसके बाद आपको जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो इंस्टॉल होने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वालकॉम का ड्राइवर है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कभी कभार थोड़ा सा बहुत परेशानी करता है क्योंकि कभी कभार इंस्टॉल नहीं हो पाता ये, तो इसका भी एक सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद आपसे राइट क्लिक करके आपको इंस्टॉल करने होंगे। मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये जो वीवो ड्राइव है, ये क्वालकॉम का इसका इलाज ही है वीवो ड्राइव पे। आप इसे क्लिक करें, अनजिप करें इसे। उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल करने होंगे, ये जो वीवो ड्राइवर है। आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा ना, जो भी क्वालकॉम का जो भी USB डिटेक्ट करने में थोड़ा परेशानी होती है वो ये सॉल्व कर देगा। वो कैसे करेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पर आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 5 से 10 मिनट भी ले सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन पे। ये सब करने के बाद दोस्तों आप अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में ले जाइए। वो कैसे करना है आपको, जैसे कि आप डीप टेस्टिंग एप्लीकेशन ओपन कीजिए, जैसे आपके स्टार्ट ऑप्शन होगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप उसे क्लिक करेंगे तो फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कीजिए और पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दबाएंगे तो आपको फास्ट बूट मोड में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर में कनेक्ट कीजिए। जैसे मैं आपके कंप्यूटर में कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ADB ड्राइव इंस्टॉल किया हुआ है। आप वहाँ पे जाना पड़ेगा जैसे कि 86 या लोकेशन है। ये बोला यहाँ पे जाने होगा। इसमें कुछ फाइल और भी मैंने ऐड किया हुआ है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पे बस ये करने के बाद आपको यहाँ पे CMD टाइप करना है और कमांड ओपन करना है टर्मिनल। जैसे कि यहाँ पे ये ओपन हो गया, आप आपका कंप्यूटर में अपने फ़ोन को कनेक्ट कीजिए। दोस्तों, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया कंप्यूटर में। अब मैं आपको इसमें ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जाएंगे ड्राइवर डिवाइस मैनेजर में, दोस्तों जैसे डिवाइस मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो क्वालकॉम का जो ड्राइवर है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइप का दिखाई देगा। आपको उस पर सिर्फ सिंपल आपको राइट क्लिक करना है उस पर।
मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे इसके जैसे कि उस पर आपको राइट क्लिक करना है और अपडेट ड्राइव पे क्लिक करना है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली पे सर्च पे क्लिक करके आपको छोड़ देना है, वो अपने आप ही कर लेगा, ड्राइव इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, इस तरह से आप करोगे तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है जैसे कि मैंने आपको दिया है वीवो ड्राइव, वो आपको जैसे आप वीवो ड्राइव इंस्टॉल करेंगे ना तो आपको इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में। अगर आप ये आपको नहीं दिखता है डिवाइस मैनेजर पे, आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है, अपडेट ड्राइव पे क्लिक करना है तो आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है, आपके फ़ोन ऑटोमेटिक अटैक कर लेगा। तो बाकी के काम हम आपको इसमें दिखाते हैं। आप इस पर टाइप करना होगा फास्ट बूट डिवाइस। जैसे आप फास्ट बूट डिवाइस टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं डिवाइस का कोड आ जाता है। इसका मतलब है कि आपके जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा फास्ट बूट फ्लैश सिंक अनलॉक अनलॉक। एक टाइप करने के बाद आपको एंटर पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फेल हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बूटलोडर अनलॉक करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, बस इसमें करना हो रहा है। और जैसे आप ये कमांड टाइप करेंगे तो आपके फ़ोन में ऑप्शन आ जाएगा कि बूटलोडर अनलॉक करना चाहते हैं नहीं। आपको वॉल्यूम डाउन बटन करके आपको सेलेक्ट करना होगा और पावर बटन दबा देना है, जिससे कि आपका जो बूटलोडर है अनलॉक हो जाएगा। आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है, और आगे क्या रूट कैसे करते हैं इसके प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, रूट करने के लिए जैसे कि आपको अपने कंप्यूटर और डिवाइस को कनेक्ट करने होंगे, ताकि आपको कुछ फाइल जो है उसे आप कॉपी पेस्ट करने होंगे हमें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या कॉपी करना है। जैसे कि ये रूट फाइल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी जो पासवर्ड है मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, आप इसे जैसे एग्जिट करेंगे तो आप यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तब आपको वही पासवर्ड देना है। इसमें कुछ फाइल है जो आपको फ़ोन में कॉपी करनी होंगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रूट फाइल जो है एग्जिट हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीन चार फाइल आपको देंगे, सो आपको मैं कुछ फाइल आपको दिखाता हूँ कौन सा फाइल क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जूम करके आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे एक ना आपको ये फाइल कॉपी करना है, दूसरा आपको बीबी मेटा फाइल कॉपी करना है, तीसरा जो आपको बूट फाइल आपको कॉपी करना है। ठीक है, आपको तीन फाइल कॉपी करने होंगे अपने फ़ोन में डिवाइस स्टोरेज में। इसमें मैंने बता के भी रखा है कि कैसे इसे यूज़ करना है, या आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ यहाँ पे कैसे इसे यूज़ करने होंगे। तो पहले इसमें बाद में बताता हूँ। तो ये सारे फाइल आपको फ़ोन में कॉपी करने होंगे, उसके बाद कॉपी करने के बाद आप ये यहाँ पे मैजिस APK आप इसे इंस्टॉल करने होंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करने होंगे। अब जब ओपन करोगे तो आप ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे इंस्टॉल करेंगे। और जो पैचअप फाइल है आप इस पैचअप फाइल को क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आ गया। आप जहाँ पे भी अपने जो मैंने जो फाइल दिया है बूट इमेज फाइल दिया है आपको वो सेलेक्ट करने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और उसे सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक किया। उसके बाद आपको लेस गो पे क्लिक करना होगा। अब जैसे लेस गो पे क्लिक करने के बाद इसमें 2 से 3 सेकंड लगेगा या 5-10 सेकंड लगेगा, उसके बाद ये आपके फ़ोन में एक बूट इमेज फाइल दे देगा। अब जैसे कि ऑल डन हो गया है, अब ये दोस्तों ये जो फाइल है आपको यहाँ से फिर वापस आ जाना है, और आपको फाइल मैनेजर पर जाना है वापस। अब दोस्तों ये जो फाइल है जो पैचअप किया हुआ है ये आपको यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला फाइल ये डाउनलोडिंग फोल्डर में है। इस डाउनलोडिंग फोल्डर को आपको यहाँ से कॉपी करके ले जाना है, आपको स्टोरेज पे रखना है इसे अपने स्टोरेज पे, यहाँ पर आपको पेस्ट करने होंगे।
उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो कुकरी फाइल रखा हुआ है, ये कि ये है, ये पहले का किया हुआ है, ये आपका किया हुआ है। अब इसे करने के बाद आपको क्या रहता है, दोस्तों ये जो पेचअप फाइल है, इस पेचअप फाइल को आपको करना होगा कॉपी और अपने कंप्यूटर में इसे पेस्ट करना होगा, आपको कंप्यूटर में रखना होगा। आगे की जो प्रोसेस होगा मैं आपको कंप्यूटर में दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि फोन में ये सारे फाइल का कॉपी करना है, जैसे कि आपको ये बीबी मीटर फाइल कॉपी करना है, पेचअप फाइल और ये बूट फाइल, ये तीन फाइल को आपको कॉपी करने हैं फोन से। और आपको इसको कहाँ पेस्ट करना है आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने मिनिमल एडीबी ड्राइव इंस्टॉल किए हुए हैं, हमें वहाँ पे पेस्ट करने होंगे इसे। जैसे कि यहाँ पे हमें आना होगा, ये मैंने दोस्तों सारे कुछ पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे CMD टाइप, आप इसके बाद आपको अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में ले जाना होगा। इसके लिए आपको स्विच ऑफ कीजिए और उसके बाद पावर बटन दबाएंगे तो आपको फ़ोन जो है फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। मैं इसमें कमांड भी लिखा होगा, सबसे पहले आपको फास्ट बूट मोड में एक कमांड देना होगा। जैसे आप फास्ट बूट मोड में एक कमांड देते हैं तो आपको ये जो इसका मतलब होता है यहाँ पे कोड आ जाता है डिवाइस का, इसका मतलब है कि आपके फ़ोन कनेक्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आपको करना होगा, आप यहाँ देखते हैं ये कमांड है फास्ट बूट डिसेबल वेरिफिकेशन, आपको ये कमांड देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्पेस देना होगा और जो भी अपने यहाँ पे जो डाउनलोड किया हुआ फाइल, ये जैसे कि आप बीबी मेटा, ये फाइल को आपको यहाँ पे पेस्ट करने होंगे, यानी कि ड्रॉ करने होंगे। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको एंटर करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एंटर करते ये हो गया। आपको बस दूसरा जो कमांड देना है आपको वो है फास्ट बूट फ्लैश। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान दें, ये फास्ट बूट फ्लैश बूट में आपको कौन से आपको फाइल फ्लैश करने होंगे। इसके लिए जैसे कि आपने ये कमांड पेस्ट कर दिया, आप स्पेस दीजिए। स्पेस देने के बाद दोस्तों ये जो आपने मैजिक पेचर आपने किया हुआ है, आप इसको आप यहाँ पर ड्रॉ करें, अब इसको आपके ड्रॉ करने होंगे यहाँ पर। अब जैसे इस पर ड्रॉ करने के बाद आपको एंटर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको 15 से 20 सेकंड लेकर आपको इसको सेंड करने में, जैसे कि आप देख सकते हैं हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, फास्ट बूट रिबूट बूट लोडर पे कमांड देना है, आपके जो फोन है वो बूट लोडर में फिर से आ जाएगा। उसके बाद फास्ट बूट रिबूट, दोस्तों ये करने के बाद आपके जो डिवाइस है वो रिबूट हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक मैनुअली फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, आपको फॉर्मेट करने होंगे। जब तक आप फॉर्मेट नहीं करोगे डिवाइस को तब तक जो फोन है वो रिस्टार्ट नहीं होगा, तब तक एक बार फॉर्मेट कर लें। फॉर्मेट करने के बाद दोस्तों आपको मैजिक मैनेजर ओपन करना है और जैसे मैजिक मैनेजर ओपन करोगे तब उस पर ना कुछ एडिशनल फाइल कहेगा कि डाउनलोड करने के लिए कहेगा, आपको उस पर डाउनलोड करके आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड कर लेगा और एक बार आपके फ़ोन को रिबूट कर लेगा। बस इतना ही करना होता है और फिर कोई भी APK आप डाउनलोड करें रूट चेकर और चेक करें आपके फाइल रूटेड हो जाए। दोस्तों ये करने के बाद आपके जो फ़ोन है वो रूट हो जाएगा, ये सारे फाइल आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार वीडियो को अच्छे से देख ले ताकि आपको गलती ना करे, क्योंकि आप एक गलती आपके फ़ोन को बूट लूप में ले जा सकता है और अच्छे से आप बैकअप भी कर लें। थैंक यू।